अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहनियुत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शेष झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर कहते हैं, अरब खरब ले द्रव्य है, उदय अस्त ले राज, भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने काज। अरब से लेकर खरब तक धन हो, उदय से लेकर अस्त तक राज्य हो, मतलब कि धरती का सर्वश्रेष्ठ धनवान व्यक्ति हो, प्रभुताशाली, बाह्य सुख समृद्धि से पूर्ण हो, जहां सूर्य उदय होता हो और जहां डूबता हो, कहने का मतलब पूरे भूमंडल का राज्य हो, इतना सुख उसका बड़ा हो। लेकिन भक्ति के सवा हिस्सा के बराबर भी वो नहीं है। भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। तराजू के पलड़े पर दुनिया का पूरा सुख रख दो एक तरफ, अभक्ति का थोड़ा सा हिस्सा रखो तो उसकी बराबरी नहीं करता है। मतलब जिसके लिए ये जीवन मिला है मुक्ति शांति सुख के लिए, वो काम बाह्य समृद्धि में नहीं हो पाता है, उसका काम ही नहीं करते हैं। बाहर से देखो, कोई जब रोग होता है, रोगी भी है, टेस्ट भी है, डॉक्टर भी है, दवा भी है, और फिर उधर निरोगता भी दिखाई देती है। धर्म क्षेत्र में भी यही बात है, लेकिन उसके लिए लोगों के अंदर ये सोच ही नहीं है कि कोई रोगी है। शारीरिक क्षेत्र में देखें तो रोग का पता चलता है, लोग अपने को महसूस करते हैं, डॉक्टर की खोज करते हैं, दवा की खोज करते हैं, डॉक्टर कहता भी है कि जाओ टेस्ट करा के आओ, चेकअप करा के आओ, बीपी चेक कराओ, शुगर चेक कराओ, और भी बहुत सारे चेकअप हैं, टेस्ट हैं, उसको जाके करा के आओ। वो कोई दवा नहीं है, लेकिन 200, 400, 1000, 5000, 10000 का चेकअप होता है। चेकअप करा लेने से रोग दूर थोड़े हो जाता है, केवल पता चलता है कि हाँ ऐसा रोग है, ये रोग है, इतना है। बीपी का चेकअप हो गया तो उससे कौन ठीक हो जाएगा, आदमी स्वस्थ हो जाएगा क्या? पता चला, ऐसे शुगर का टेस्ट हो गया, पता चला रे शरीर में शुगर है, ज्यादा बढ़ गया है, तो इससे तो रोग दूर नहीं होता। फिर इसके लिए एक नाप तौल डॉक्टर बताते हैं कि भाई ये चीज खाओ, ये चीज ना खाओ, ऐसा करो, वैसा करो, इस ढंग से रहो, जीने का रहने का शरीर के लिए ढंग बताते हैं, तौर तरीका, इस तरह से रहो तो क्या होगा, शुगर खत्म थोड़े होगा, शुगर नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल होना ही शुगर खत्म होना, अभी देखो सबके शरीर में शुगर है, शुगर खत्म भी हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा।
तो शुगर बढ़ भी जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है, शुगर नॉर्मल रहे। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी यही होना चाहिए कि हमें एहसास होना चाहिए कि हम रोगी हैं। अब क्या करना चाहिए, हमको टेस्ट कराना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा गुण अधिक हो गया है कि जो परेशान कर रहा है। तीन गुण होते हैं तो गुण टेस्ट करवा ले तो पता चलेगा कि हमारे शरीर में ये ज्यादा बढ़ गया है। और बहुत से ऐसे नाम लिए जा सकते हैं कि अगर आप बड़े बनते हैं तो इसका भी चेकअप करा लें, स्वभाव टेस्ट, गुण टेस्ट, सद्गुण टेस्ट, भक्ति टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं तो उसका टेस्ट करवा लें तो पहले एहसास हो कि हम रोगी हैं और इससे हम परेशान, समस्याएं हैं, दुख हैं, विपत्ति है। तो इसके बाद फिर टेस्ट कराने जाएं कहां, कमी महसूस हो तो फिर पता चलता है कि अब हमको वहां जाना चाहिए। तो टेस्ट करने वाले क्षेत्र खोलते हैं, उस सत्संग में जाइए, संतों के पास जाइए जो उसके विशेषज्ञ हैं, विचारवान हैं, वास्तव में वो निरोगता के लिए वो बताते हैं, कारण बताते हैं कि ये रोग है, इससे आपको निरोगता आएगी। वहां जाकर के भी डॉक्टर बता दिया कि ये रोग है, पता चल गया, दवा दिया, और दवा भी खाए नहीं तो भी रोग दूर नहीं होता। तो इस तरह से हम थोड़ा से विश्लेषण करने पर पता पाएंगे कि बाहर इतना टेस्ट है, धर्म के क्षेत्र में लोग टेस्ट नहीं करते हैं, तो रजोगुण इतना बढ़ गया है, अब सत्वगुण क्या होगा, फिर समस्याएं तो आएंगी, तमोगुण इतना बढ़ गया है तो विकराल रूप धारण कर लेंगे फिर समस्याएं, आदमी का जीवन गंदगी से भर जाएगा, काम क्रोध लोग मोह घेरेंगे और बीड़ी पान तमाकू शराब अंडा मांस मछली खाएगा, तब लड़ाई झगड़ा करेगा, मार काट करेगा, उसे दया धर्म नहीं रह जाएगी, तमोगुण में और क्या होगा, यही तो होगा। अब पता चला कि मेरे अंदर तमोगुण ज्यादा है, तब ना वो दो गोली दवाई खाने के लिए तैयार होगा, पता ही नहीं उसे। तो सदगुरु कबीर साहब यहां पर कहते भक्ति की महिमा इतनी बड़ी है। तो भक्ति एक मार्ग है, रास्ता है, उस रास्ता से चल करके हमें वो जो अंतिम लक्ष्य हम पाना चाहते हैं, सबके अंदर प्यास है कि हम निरोग हो जाएं, मुक्त हो जाएं, शांति मिल जाए, निर्दोष जिंदगी हमारी बीत जाए, तो कुल मिलाकर के नॉर्मल बनाना है जीवन को। ऐसे शरीर की स्थिति नॉर्मल ढंग से जब रहती है तो शरीर स्वस्थ, ऐसे हमारे अंतःकरण में, मानसिक जगत में, मानसिक स्थिति से हम नॉर्मल ढंग से रहे, हमारे अंदर गुण जो त्रिगुण हैं ये नॉर्मल रहे, तीनों नष्ट नहीं हो जाएंगे जब तक शरीर रहेगा, रहेंगे। तमोगुण की जरूरत है, थोड़ा रजोगुण की भी जरूरत है, सतोगुण की तो जरूरत है, सतोगुण में ही पूर्ण भक्ति होगी। इसी के लिए संत पहले ही बताते हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। तो आहार से वो शुरू करते हैं, इससे क्या होता है कि पहले ही हमारी वृत्तियां नॉर्मल हो जाती है, जो त्रिगुण की अधिकता है। अब रजोगुण में ये नहीं फले फूले की भक्ति, तमोगुण में तो हो ही नहीं सकती है, तमोगुण तो ऐसा है भक्ति के लिए कि एकदम से झुलसा देता है, राख कर देता है, तमोगुण से काम नहीं चलता है, तो उसको नॉर्मल होना चाहिए। रजोगुण थोड़ा हो, सतोगुण की अधिकता होनी चाहिए भक्ति मार्ग में, तो आहार से ये सतोगुण जल्दी विराजमान होते हैं जीवन में, मन हमारा संतुलित होता है खान पान। इसीलिए संत जन पहले कि भाई खान पान सादा रखो और उठना बैठना अपना ठीक ठाक करो, ऐसे लोगों के पास मत जाओ
ऐसा मत बोलो, एकांत का सेवन करो तो बहुत इच्छाओं के भाग दौड़ में ना पड़ो, इच्छाओं को शांत करो। तो इससे क्या होता है, सहजता आती है, सहज ही आराम मिलने लगता है, बहुत टाइम बढ़ जाता है हमारा, जो इधर उधर वृत्तियां दौड़ रही थी अपने आप संतुलित होने लगती हैं। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व मन हृदय चित्त ये संतुलित हो गया, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, तो हमारे अंदर जब हृदय शांत हो गया, स्थिर हो गया मन, तो उस शांत मन में फिर सद्गुण टिकते हैं, स्मृतियां संतुलित होती हैं, ये सत्व गुण विराजमान रहता है, शांति स्थापित होती है और फिर उसका लाभ मिलने लगता है। तो स्मृति वहां पर अगर संतों से सुने, सत्संग में सुने, ग्रंथ पढ़े, चिंतन हुआ कुछ, तो वहां स्थिरता से शांति से मन में वो बातें याद आती हैं कि हाँ इसकी जरूरत है, इससे कल्याण होता है। क्रोध हमें दुख देता है, लोभ दुख देता है, मोह दुख देता है, ये चित्त में फिर आके ख्याल के रूप में टिकता है। स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम, जैसे ये बातें आई कि क्रोध तो दुश्मन है, आग है, लोभ तो भाई पाप का बाप ही है, ऐसा ख्याल आते ही असंत कहते हैं भाई कि जीवन थोड़ा है, समाप्त होने वाला है, परिवर्तनशील है, जल्दी जागो, बुराइयों से भागो, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, जागने वाला ही भागेगा। और इसके लिए समय भी नहीं है कि भाई बचपना जवानी बुढ़ापा, अरे जब से जागे तब से भागे, तो जब से समझ में बातें आ जाएं तभी से वो लग जाए कल्याण के कार्य में। तो स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम, तो ये बातें जैसे ख्याल आई कि संत की बात तो बहुत ऊंची बात है, बहुत बढ़िया है, और गुरुजन जो मरने की बात बताते हैं, मौत की याद दिलाते हैं, वो तो बहुत बढ़िया है, याद आते ही आदमी स्थिर हो जाता है, जो मन इधर उधर भाग रहा है वो समिट जाता है, शांत हो जाता है, लौट पड़ता है अपनी तरफ, अंतःकरण में एक बहुत अच्छी संवेदना चालू हो जाती है कि जीवन कोई ठिकाना नहीं है, मेरा काम अधूरा ना रह जाए, और आत्मा ही परमात्मा है, ये भीतर रहने वाला जो चेतन आत्मा है, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। एक बहुत सुंदर सात्विक कल्याणकारी सुखद घटना घटने लगती है। तो ऐसी स्मृति चलती है, स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम, तो जो हम बंधे हैं चारों तरफ इच्छाओं वासनाओं कामनाओं इंद्रियों में और दुनिया की ममता मोह में, तो सारी ग्रंथियां ढीली होने लगती हैं कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं नहीं हम गलत कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए, देखो लोग इसी में फंसे हैं, उनको क्या लाभ हुआ है, तो हमें इसमें बहुत नहीं समझना चाहिए, थोड़ा सा कम करना चाहिए, ऐसी घटनाएं मन में होने लगी, ऐसी वृत्तियां उत्पन्न होने लगी, ऐसी संवेदना होने लगी, और बढ़ी ताकत बढ़ गई, सर्वग्रंथी नाम, सारी गांठें फिर अंततः टूट ही गई, खुल ही गई, नष्ट ही हो गई। तो विप्रमोक्षः, उस ज्ञानी का, उस पवित्र आत्मा का मोक्ष हो गया, उस सज्जन का, उस जिज्ञासु का, उस पात्र का मोक्ष हो गया, छुटकारा मिल गया, बंधन ही जब खुल गए तो बंधन अब रह ही नहीं गए, तो उसमें दुख कहां, फिर पीड़ा कहां, उसी को मुक्ति कहते हैं, और उसी कोई बंधन नहीं, कहीं परवस्ता नहीं, कहीं कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कुछ लेना नहीं, कहीं से खोजना नहीं है, अब बस वो मिल गया, उसी को कहते हैं कि भाई हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्या ढोले, तेरा साहेब है गढ़ भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। जब अपने भीतर ही पता चल गया, शांति मिल गई, यही है, बहुत खोजे संतों की जो तपस्या बहुत काल तक चली, अंततः पता चला कि अरे ये तो पास में ही है। तो सबसे बड़ा प्रमाण देखो,
तथागत बुद्ध के लिए है, महावीर स्वामी के लिए है। आओ, इनका इतिहास एक लंबा चला कि कैसे कैसे वैराग्य हुआ, कैसे कैसे ये विकल हुए, कैसे इनको पीड़ा हुई और कैसे धीरे से आगे बढ़ते गए। और फिर सब कुछ लोगों के मन में होता है, एक बार संसार के लोग सोचते हैं कि अभावग्रस्त लोग धन से हीन हैं, समस्याओं से ग्रसित हैं, कोई गलत कर्म में फंस गए हैं या और भी तमाम, ऐसे लोग ही साधु महात्मा बनते हैं। तो उनके लिए बहुत जबरदस्त प्रमाण है तथागत बुद्ध, महावीर स्वामी, भर्तृहरि और ऐसे तमाम गोपीनाथ, राजे महाराजे जो हुए तो वो तो अभावग्रस्त नहीं थे। और जिसके लिए लोग कहते हैं कि भाई धन नहीं था, पत्नी नहीं रही होगी, बच्चे नहीं रहे होंगे, नौकरी नहीं रही होगी, अपमान रहा होगा उनका चारों तरफ से, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। कारण तो कुछ ना कुछ रहता है, कारण तो यही है कि उनके अंदर एक ज्ञान उत्पन्न हुआ कि ये संसार दुख रूप है और इस दुख से बचने के लिए संतों के पास जाना ही पड़ेगा। तो भीतर वो कारण पैदा हुआ कि मुझे दुख से बचना है, अपने आप तक पहुंचना है, तो भागा फिर गुरु के पास। जैसे कि शादी का कुछ तो कारण है, क्यों लोग शादी कर लेते हैं, क्यों आखिर लड़की चली जाती है, क्यों आखिर माता पिता की विरोध में लड़की चुपके से ही लड़का को लेकर भाग जाती, अथवा लड़का भी किसी की परवाह ना करते हुए लड़की को चुपके से लेकर चला जाता है। तो क्या कारण है, सब कुछ पिता उसके लिए समर्पित किए था, बेटी के लिए क्या क्या नहीं सोचे था माता पिता कि अपनी बेटी की शादी मैं इस तरह से करूंगा, लेकिन वो चुपके से क्यों चली, कुछ तो कारण था। कारण यही था, कामनाएं और इच्छाएं, वासनाएं, तो उसकी सांसारिक वासना थी, कामनाएं थी, वो सांसारिक सुख को पा जाना चाहता है जल्दी। तो और वो जो साधक है, जिज्ञासु है, गुरु के पास भागता है तो आत्मिक सुख को जल्दी पाना चाहता है, उसकी खोज में वो भागता है, बिना वहां गए वो नहीं मिलेगा। जैसे एक लड़की को, लड़का को सांसारिक सुख पाने के लिए, गृहस्थी बसाने के लिए माता पिता से अलग लड़की को जाना ही पड़ता है, एक अपनी गृहस्थी बसाना ही पड़ता है, तो गृहस्थी के हिसाब से वो चल पड़ता है। तो उसकी व्यवस्था के बारे में तो दुनिया के लोग जान गए हैं, इसीलिए उनको बहुत ठाट बाट से सम्मान के साथ लोग विदा करते हैं, और ऐसा विदा करते हैं कि ये समझ ना पावे और खुश रहे उसी में। जिज्ञासुओं, कल्याण इच्छुकों के बारे में संसार के लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि अब साधना करके उस ऊंचाई तक पहुंचे हो, उस आनंद को जानते हो, वो तो एक संतों के बताने से, ग्रंथों में लिख देने से लगता है कि ऐसा कुछ होता होगा, तो फिर लोग मान लेते हैं कि हाँ बहुत ऊंचा कार्य है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए फिर नहीं, डरते हैं, बहुत कठिन समझते हैं और झूठा भी समझते हैं, पता नहीं होता है कि नहीं होता है। तो उस गहराई तक ना सोच पाने के कारण लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा ही कारण रहा होगा, मोटा मोटी घर में अभाव रहा होगा, अथवा चोर बदमाश रहे हों तो बचने के लिए भाग गए हों। एक कहावत है, साधु न होता तो चोर कहाँ रहता, जंगल न होता तो मोर कहाँ रहता, क्योंकि मोर के बड़े बड़े पंख होते हैं, कहाँ छुपाता बेचारा। तो साधु एक ऐसी जगह है कि चोर भी उसमें छुप जाता है, देखा भी जाता है। इससे साधु की महिमा घटती नहीं है, साधना की महिमा घटती नहीं है, तो साधु की महिमा तो और बढ़ जाती है। इतनी बड़ी महिमा है संत गुरुजनों की, इतना बड़ा ज्ञान है कि उसमें चोर उचक्का भी बच जाते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग लोग करते हैं, ये गलत है। सही ढंग से चोर उचक्के भी अगर साधु पद में आके साधना करने लगे तो उनका कल्याण हो जाता है। अंगुलीमाल एक महान उदाहरण है,
पुराना ऐतिहासिक, अंगुलीमाल जैसा हत्यारा और चोर वाल्मीकि डाकू होते हुए बच गए कि नहीं? लोग उनकी चरण वंदना किए ना, और अंगुलीमाल जैसा खूंखार आदमी भी बच गया ना, तो साधु की शरण में आया और उसका भेष धारण किया, उस पद को धारण किया, वो मार को पकड़ा तब ना बचा, तो इसका सदुपयोग है। अब आकर के अपनी बदमाशी ना कोई छोड़े तो कल्याण कहाँ होगा? दुनिया के लोग उन्हें मान सकते हैं कि हाँ भाई अब ठीक है, लेकिन उसकी आत्मा कभी उसे सुख नहीं दे सकती है। इसलिए साधु का वेश धारण करके, कंठी धारण करके और वेश धारण करके दुनिया को ऐसा कुछ बेवकूफ बनाना बहुत बड़ा पाप है। धर्म के मार्ग में तो ऐसे धर्म का चोंगा पहन करके भगवान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, साधु के नाम पर और पूजा पाठ के नाम पर तो दुनिया की बेवकूफ बनाया गया। आज देख लीजिए चारों तरफ झूठाई है, अंधविश्वास पाखंड के सहमति में, सहयोग में लोग खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग। अरे उसको तो तिलांजल देना चाहिए, धिक्कार है कि धर्म के नाम पर जो लोग ऐसी गंदी राजनीति भी कर लेते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं और तमाम भोले भाले लोगों को, भोली भाली माँ बहनों को लोग ठगते हैं, तो वो अलग चीज है। समझदार लोग इस पक्ष में कभी नहीं रहते हैं, सदा से वो अपनी साधना करते हैं और कल्याण के पक्ष में रहते हैं। जो ऐसा इस पक्ष में कल्याण के पक्ष में रहेगा, धर्म पक्ष में रहेगा, और उसका जीवन सदैव संतुलित स्वस्थ और शांत में होता है। जहां वो बैठता है, जहां वो रहता है, सब को सही संदेश, सही मार्ग और शांति देता है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि भक्ति एक ऐसी चीज है, भक्ति की बहुत बड़ी उन्होंने बातें कही और पूरा संसार में जग जाहिर है कि भक्ति की में सारी सामग्री है कल्याण के लिए। माता पिता की भक्ति, गुरुजनों की भक्ति करने से लोग और समाज में तमाम अच्छे लोगों की भक्ति करने से कितना लाभ है। कोई विद्यार्थी अपने मास्टर की भक्ति करे, बड़ी विनम्रता से विद्या अध्ययन करे तो बहुत जल्दी विद्या अध्ययन कर लेता है, विरोध करके नहीं, तो छल कपट करके नहीं हासिल कर सकता, समर्पित होकर के। ऐसे कोई माता पिता का भक्त हो, कोई पुत्र पुत्री, तो निश्चित है बहुत संस्कारी निकलेगा और सदैव सम्मानित रहेगा। तो कल्याण के क्षेत्र में गुरु संतों की, पवित्र आत्माओं की भक्ति, भक्ति है सेवा, समर्पण, और समर्पित है, अपने मन को समर्पित कर दिया, उनका आज्ञानुवर्ती हो गया, उनके बताए मार्ग में चलने लगा, उनके अनुशासन में रहने लगा, बस अनुशासित हो जाता है। अनुशासन में जो रहता है वही शिष्य है, और उस शिष्य का निश्चित ही कल्याण होता है और सारे दुर्गुण धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, और गुरु के तमाम सारे वो सद्गुण आविराजते हैं उसके जीवन में। तो भक्ति की महिमा अपारा हो जन जाने कोई। पूज्य गुरुदेव सद्गुरु अभिलाष साहब जी इस पर बहुत अच्छी भजन बनाए हैं, गिनाए हैं कि सेवरी नारी जात की भिल्लिन भक्ति से गुण उंजियारा हो, नाभा भगत स्वपच के बालक, दासी पुत्र कहत सब नारद। ये लोग नारद जी दासी के पुत्र थे, भक्ति करके आगे बढ़ गए, ब्रह्म ऋषि हो गए, और नाभा भगत जी भक्ति में ही पढ़ करके और छोटी जात के कहलाने वाले लोग उन्हें ऐसा कहते थे, लेकिन उन्हीं को लोग पूजनीय माने। ऐसे अनेक नर नारियों में भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना लिया। तो भक्ति एक ऐसी बूटी है कि जो भी उसे खाता है उसका सारा रोग दूर होता है। तो संत गुरुजनों की भक्ति करने से, अब इसे सामान्य बना करके भक्ति में अब कोई भक्ति करने लगा, अलग दुरुपयोग करने लगा कि मैं तो भक्त हूं, मैं तो काली माई का भगत हूं, देवी देवता का भगत हूं, किसका भगत हूं, किसका भगत हूं। अरे भाई विवेक करो, जहां से हमें सद्ज्ञान मिले, प्रकाश मिले, जो हमारे दुखों को काटने का मार्ग बता सके, पूज्येषु अनुरागो भक्ति,
पूज्य के प्रति अनुराग करना, प्रेम करना, समर्पित होना भक्ति है। गुरु कई प्रकार के होते हैं और उन गुरुओं को बदलते बदलते हम सदगुरु तक पहुंचेंगे तो वो हमारे शांति का मार्ग बताएंगे। गुरु जितने हैं वो कुछ हमें सीख देते हैं, जीवन निर्वाह में सहायक होते हैं और भी कई मार्ग में सहायक होते हैं, हमें कई तरह के नॉलेज देते हैं, बुद्धि देते हैं, व्यवहार की कला बताते हैं, लेकिन सदगुरु हमें आत्मज्ञान देते हैं, कल्याण के लिए सारी सामग्री देते हैं, ऐसा अनुशासन देते हैं, अनुशासित करते हैं कि हम स्वयं उसका अनुभव करते हैं। वो अनुभूत विषय है तो अनुभव कराते हैं वे। उनकी उनका ज्ञान दिया हुआ यहीं तक रहने वाला नहीं है, इस संसारिक जगत में, भौतिक जगत में समाप्त नहीं हो जाता। उनका दिया हुआ ज्ञान अविनाशी होता है, वो अविनाशी का ज्ञान देते हैं, उनका ज्ञान नष्ट नहीं होता, शाश्वत होता है, क्योंकि जीव का स्वरूप शाश्वत है, अविनाशी है और गुरु का ज्ञान भी अविनाशी होता है। तो ज्ञान जो सद ज्ञान हो और ज्ञानमय हो जाए, जीव उसे सुन करके फिर ज्ञानमय हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि पारस पत्थर लोहा में छूता है तो सोना ही बना पाता है, सोना तक ही रहता है, पारस नहीं बनाता है। लेकिन सदगुरु, जब सदगुरु को कोई छू लेता है, समर्पित हो जाता है, तो गुरु हो जाता है, सदगुरु हो जाता है। गुरु गुरु बनाते हैं, चेला नहीं बनाते हैं, लेकिन जब छू जाए, समर्पित हो जाए, तब ना उसे भी आत्मज्ञान हो जाता है। सदगुरु गुरुजनों में कोई कोर कसर नहीं रखी जाती है, व्यवहारिक जगत में कोर कसर रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, इतना समर्पित नहीं हो जाना चाहिए कि जहां हम इस संसार में पड़े हैं संसार ही हमारे ऊपर चढ़ बैठे। ऐसे एक कहानी आती है कि एक शेरनी जंगल में थी, बच्चा दिया तो एक बच्चा हुआ, इतने में बीमारी आई तो शेरनी मर गई। तो बच्चा अब छोटा था, अभी शिकार करना उसे कुछ मालूम नहीं था, कैसे खाए पिए। इतने में उधर से एक बिल्ली आ गई, तो बिल्ली भी शेरनी जैसी ही रूप रंग और आकार प्रकार में थी, लेकिन छोटी थी। तो बच्चा को लगा कि ये भी मेरे जात बिरादर की है, तो उन्होंने कहा अरे मौसी इधर आओ। मौसी शब्द से प्रयोग किया तो ये तो मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ की बहन होगी, मौसी है। अब बिल्ली को भी दया लगी कि देखो छोटा बच्चा है तो शेर, ये शेरनी शेर का बच्चा शेर है तो, लेकिन मुझे बड़ी दया है, इसको तो बचाना चाहिए, तो मर जाएगा। तो बच्चे ने कहा अरे मौसी मुझे भी किसी खाओ, मैं तो भूखों मर रहा हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। तो बिल्ली उसे साथ में ले लिया, दया लगी, सोचा कि चलो बच्चा है, देखा जाएगा, सिखा देती हूँ कुछ, ये भी जीवन निर्वाह करने लगे। तो बिल्ली अपने साथ में लेकर शिकार करती, दौड़ती धूपती, धीरे धीरे बच्चा ट्रेंड हो गया। अब धीरे धीरे खाता पीता, शिकार करके मस्त जवान हो गया। जैसे ही बड़ा हो गया, खूब मजबूत हो गया, तो एक दिन सरपट आपस में बिल्ली भी और वो शेर का बच्चा भी दौड़ रहा था, तो शिकार आपस में कुछ पकड़ रहे थे और घूम दौड़ लगाए थे, चहल कदमी कर रहे थे, तो भूखा हो गया करते करते खेल कूद। तो शेर, वो बच्चा जो था वो जवान हो गया, शेर हो गया, तो उसके मन में आया कि भूख लगी है, ये तो छोटी सी बिल्ली है, मौसी है, इसको मैं खा जाता हूं, भूख में कुछ दिखाई नहीं देता। तो जैसे भी वो रूप बनाया भयानक जोशीला, बिल्ली समझ गई और फट से पेड़ में चढ़ गई। पेड़ में चढ़ गई तो अब शेर ताकता रह गया। तब शेर नीचे से कहता है अरे मौसी ये दांव तो तूने बताया ही नहीं, सब दांव बताया शिकार करने का, ये दांव तू तो छुपा छुपा लिया। तब बिल्ली कहती है अरे बेटा मैं जानती थी कि तू शेर का बच्चा है, जिस दिन तैयार होगा
अब भूखा होगा, मेरे पर एक दिन आक्रमण करेगा जरूर। इसीलिए मैं ये दांव बचा कर रखी हूं, जाए अब तू अपना काम कर। भूखा शेर उधर से भगा और फिर अलग जगह शिकार करते हुए अपना जीवन यापन किया। उस दिन से नाता तोड़ लिया बिल्ली कि अब वो समय पूरा हो गया, सीख लिया है, अब इसके पास नहीं जाना है, नहीं मौत से मुलाकात होगी। तो ऐसे ही संसार में जहां जहां हम अपना अपमान रहे हैं, दिल दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वहां पूरा का पूरा न दे, अपने भजन के लिए, शांति के लिए भी बचा कर रखें, नहीं तो ये संसार का व्यवहार हमें समाप्त करेगा, हमारे भजन को समाप्त कर देगा, हमारी शांति को समाप्त कर देगा। ये दांव है। तो गुरु संत हमें दांव सिखाते हैं कि भैया थोड़ा बचा के रखो, ध्यान करो, 24 घंटे ही समाप्त मत कर दो व्यवहार बट्टे में, खाने पीने जीने में, और पूरी शक्ति न लगा दो बुढ़ापे तक, इसी में से कुछ बचत करो और जीते जी मुक्ति शांति का अनुभव करो, अपने को जानो, सबसे बड़ा अपना होता है। तो संत गुरु हमें भक्ति में यही सिखाते हैं, इसीलिए भक्ति की महिमा बताई गई। तो भक्ति केवल व्यवहार भर की चीज नहीं है, भक्ति से, गुरुजनों की संगत से, उनके दर्शन से, उनके मार्ग पर चलने से हमें व्यवहारिक ज्ञान तो होते ही हैं, जीवन का संयम नियम तो आता ही है, आत्मज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, जिस ज्ञान को पाए बिना संसार के लोग भटकते हैं, दुख पाते हैं, खींचते रिश्ते हैं, दुर्गुणों की शिकार होते हैं, तो उसी ज्ञान को संत गुरु देते हैं कि आत्मज्ञान हो जाने पर भी भटकना बंद हो जाएगा। तो यह आत्मज्ञान बड़ी चीज है, इसको पाना चाहिए, और स्वयं यह अनुभव से मिलता है, गुरुजन बता भर देते हैं, लेकिन लोग छोटे छोटे पूजा पाठ में बिना गुरु के पड़ जाते हैं। जैसे कि लक्ष्य तो है कि मैं सबसे बड़ा सुखी बन जाऊं, सबसे बड़े देवता की पूजा करूं, अपने आप का अनुभव होता है। जैसे सबसे बड़ा देवता कौन है, कि आत्मा ही सबसे बड़ा देवता है। उसके लिए एक उदाहरण समझें, एक पुजारी जी थे, शिव जी की पूजा किया करते थे, तो सोचे कि अब सब देवन में देव महादेव, महादेव सबसे बड़े देवता हैं, चलो इनकी पूजा करते हैं। पुजारी जी कुछ अक्षत चढ़ा करके, पत्र पुष्प बेल पत्र चढ़ा करके और आंख मूंद कर बैठे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर आंख खोले और देखे कि एक चूहा चावल खाने के लिए सिर पर चढ़ गया, चावल लेकर के शंकर जी के चोटी पर, शिखा पर बैठा, चावल खा रहा है। तो अब पंजे पड़ते हैं उसके, तो गंदा भी करता है, तो चूहा तो भाई थोड़े थोड़े दूर में जहां रहता है, लोगों को अनुभव है कि एक गंदी बास आने लगती है जहां रहता है चूहा, तो सिर में बैठा है। तो पुजारी जी को लगा कि गजब हो गया, जिस देवता की मैं पूजा करता हूं वो देवता चूहा को भी नहीं डांटता है, भगा सकता है, तो आखिर मेरी रक्षा क्या करेगा। शंकर जी से, शिव जी से बड़ा देवता तो लगता है चूहा ही है, क्योंकि जो सिर पर चढ़ बैठे तो बड़ा ही है। उसके मन में हुआ कि शंकर जी को तो भाई नहीं, उसका मन फीका हो गया पुजारी जी का, चूहा की पूजा करने लगा। चूहा की पूजा में क्या चावल भी खेरता, चूहा ढीठा हो गया, ढीठ हो गया, बलवान हो गया और निर्भय होकर के खाने लगा चावल। एक दिन की बात की, उधर से बिल्ली निकली और चूहा को दौड़ाया, चूहा बिल में जाके घुस गया। पुजारी जी देख रहा था, अरे ये तो चूहा भी दुम दबा कर भगा, इससे बढ़िया तो घर की बिल्ली है, ये बढ़िया देवता है। बिल्ली को दूध देने लगा, म्याओ म्याओ करके घूमती, निर्भय होकर के रहती, और चूहा नादार हो गए, नदारत हो गए, अब चूहा दिखाई न देते। पुजारी जी को अच्छा लगा कि तो बढ़िया हुआ, ये बढ़िया देवता है, इस देवता से तो घर की सफाई भी हो गई। तो एक दिन की बात की, दूध पी ही रही थी कि उधर से कुत्ता पालतू निकला घर का, दौड़ाया, बिल्ली छत पर निकल गई दौड़ करके। पुजारी जी सोचे, अरे इससे बलवान तो मेरा कुत्ता है,
तो कुत्ते की पूजा करने लगा, उसको खिलाता पिलाता सहलाता। देखो ना आज कुत्ते की पूजा तो बहुत हो रही है, घर तमाम घरों में कुत्ते पाले जा रहे हैं, उसको नहलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। तो गाय भैंस की सेवा नहीं कर सकते हैं, बच्चों को नहीं खिला सकते हैं, उसके लिए नौकरानी रखते हैं, लेकिन कुत्ते के लिए स्वयं बाबूजी, कलेक्टर साहब, मिनिस्टर साहब, दरोगा जी और धनवान, तमाम ऐसे लोग हैं कि कुत्ते को जंजीर में बांध करके और जाते हैं टट्टी कराने, नहलाने सहलाने, दवाई कराने। तो भाई अब इतना मूल्यवान समय भक्ति भजन के लिए, ध्यान चिंतन के लिए, ये कुत्ता बिल्ली और ऐसे निरर्थक जानवरों को पाल करके समय बर्बाद करना है। अपनी जिंदगी की कीमत को लोग नहीं समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, इसमें शांत की कमाई करें, मानव की सेवा करें। मनुष्य तमाम दुखी हैं, उनसे बैर बांधते हैं, और जो पशु हमारे भरोसे नहीं हैं, स्वयं जंगल में रहकर स्वतंत्र जीवन जी लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं हम पकड़ पकड़ करके। तो कुत्ते को देखे तो कुत्ते की पूजा करने लगाओ, यही बलवान है। देखता है कि एक दिन कुत्ता को भोजन नहीं दिया था पुजारी जी, तो कुत्ता भूखा था, देखा कि मालकिन नहीं है रसोई में। रसोई में मालकिन पानी भरने चली गई थी रोटी वोटी बना करके, देखा कि कोई नहीं, तो कुत्ता गया चुपके से और पांच रोटी दबा करके मुख में और निकला। निकल ही रहा था रसोई से तो मालिक देख लिया जो पुजारी था, और मालकिन आ गई पानी लेकर के, और डंडा लिया और कुत्ते को दिया दो चार डंडा। मोर कहीं का सब भोजन खराब कर दिया, रसोई में चला गया। पुजारी देखे कि अरे कुत्ते से ज्यादा बड़ा देवता तो मेरी पत्नी है, अपनी पत्नी का सम्मान करने लगा, पूजा करने लगा। एक दिन की बात कि खा रहा था तो बोला इसमें नमक इतना क्यों डाल दिया दाल में। पुजारी जी कहते हैं अपनी पत्नी से इतना नमक क्यों डाल दिया। पुजारी की पत्नी ने कहा देखो खा लिया करो, रोज रोज ये टोंक टांक ठीक नहीं है। पुजारी जी को गुस्सा आया कि ये कैसे मेरी पत्नी होकर, औरत होकर मुझे आंख दिखा रही है, आओ एक डंडा धमक दिए। पत्नी बेचारी चोट लग गई, रोने लगी। तब पुजारी जी कहते हैं कि अरे मैं पत्नी को भी मार सकता हूं, तो सबसे बड़ा तो मैं हुआ। तो जो पत्नी सबसे बड़ी पत्नी है, पत्नी के ऊपर भी मैं बड़ा हूं, तो मैं ही बड़ा हूं। तो इसलिए संतुष्ट होकर अपने आप का पता चला कि अरे मैं ही बड़ा हूं, मैं ही मंदिर बनाता हूं, मैं ही मस्जिद बनाता हूं, मैं ही मस्जिद मंदिर में पूजा करता हूं, मैं ही देवी देवताओं को गढ़ता हूं, मैं ही खरीदता हूं, मैं ही बेचता हूं, मैं ही हाथ जोड़ के बैठता हूं और क्रोध आ गया तो मैं ही तोड़ करके फेंक भी देता हूं। तो सभी देवताओं का देवता तो मैं ही हूं। ये दुनिया की सारी चीजें धर्म कर्म का पुजारी, धर्म कर्म को बनाने वाला मैं ही हूं, सारे मत मतांतर। तो अपने आप का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है संसार में, इस ज्ञान को देने वाले सदगुरु हैं। गुरु, गोरु, गोरुआ, सदगुरु चार प्रकार के होते हैं। तो हमें सदगुरु की जरूरत है। तो सदगुरु आत्मज्ञान देते हैं, इसलिए हर जिज्ञासु को, हर शांति इच्छुक मनुष्य को, कल्याण इच्छुक मनुष्य को सदगुरु के पास जाना चाहिए। सदगुरु की पहचान है जो विवेकवान हो, वैराग्यवान हो, आत्मसंतुष्ट हो और निर्भय हो, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सारे विकारों को धुल करके पवित्र जीवन जी रहा हो, निष्काम पुरुष, निर्वाण पुरुष। ऐसे संत मिलें, उनकी पहचान करें और उनकी बातें सुने, उनके संगति करें, उनको हृदय में बसाएं और उनके बताए मार्ग पर चलने से निश्चित ही उस दशा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने आत्मा का खूब भजन करें, उनको पा करके समय समय से दर्शन करें, आए जाए सत्संग में, ग्रंथ पढ़ें, जब तक जीवन है इन सब का आधार लेकर के हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि यही आधार है।
संत गुरु और आत्म चिंतन आत्मस्थिति ही जीवन का सगा है। और इसी सगे संबंधियों में यही अपनेपन में जी करके हम यहाँ लोक परलोक दोनों को सुंदर बना सकते हैं। आइए इस पर एक भजन है, उसको मनन करें कि ये घटवासी राम, अविनाशी राम, आत्मा राम कैसा होता है और कहाँ रहता है, उसी पर भजन। मेरे घटवासे राम, ओ मेरे अविनाशी राम, शिव ब्रह्मा तो राम रहीम, अल्लाह गाड तो कृष्ण करीम, शिव ब्रह्मा तो राम रहीम, अल्लाह गाड तो कृष्ण करीम, वाहे गुरु तू ही सतनाम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे अविनाशी राम, ओ मेरे घटवासी राम। श्वास न मेरी खाली जावे, पर हित में जीवन लग जावे, श्वास न मेरी खाली जावे, पर हित में जीवन लग जावे, हाँ भूल न जाऊं तेरा नाम, ओ मेरे घटवासी राम, भूल न जाऊं तेरा नाम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम। पूर्व कर्म से देह बनी है, प्रारब्ध बसे आज खड़ी है, पूर्व कर्म से देह बनी है, प्रारब्ध बसे आज खड़ी है, इससे सदा रहूं उपराम, ओ मेरे घटवासी राम, इससे सदा रहूं उपराम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम। मन में निर्मल रहे भावना, भूल न जाऊं कर्म साधना, मन में निर्मल रहे भावना, भूल न जाऊं कर्म साधना, भूल न जाऊं कर्म साधना, पर मैं सदा रहूं निष्काम, ओ मेरे घटवासी राम, पर मैं सदा रहूं निष्काम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम। दुख में जलूं न सुख में फूलूं, अपना निज कर्तव्य न भूलूं, दुख में जलूं न सुख में फूलूं, अपना निज कर्तव्य न भूलूं, लक्ष्य पूर्ति कर लूं विश्राम, ओ मेरे घटवासी राम, लक्ष्य पूर्ति कर लूं विश्राम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम। राग द्वेष ना मन में आवे, हर्ष विषाद में सम रहावे, राग द्वेष ना मन में आवे, हर्ष विषाद में सम रहावे, जिज्ञासु पावे निज धाम, ओ मेरे अविनाशी राम, जिज्ञासु पावे निज धाम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।